दौलत की चाट वाले को, तो इसके नाम बहुत ही मशहूर है। ये दौलत की चाट, ये खेमचंद की दौलत की चाट। तो मैं इसको बहुत देर से ढूंढ रहा था, आखिरकार ये हमें पराठे वाली गली में मिले हैं। तो पराठे वाली गली में घुसते ही जैसे आप टर्न लीजिएगा, तो ये जगह का नाम क्या है? ये पराठे वाली गली जी, रामचंद कृष्णचंद शोरूम के ठीक सामने। वहीं खड़े रहते हैं आप ना? पूरा दिन यही खड़े होते हैं, गली के अंदर रहते हैं, मतलब गली के बाहर नहीं, अपना अपना गली के अंदर रहता है। एक जगह स्थाई नहीं रहता दुकान? हाँ, यहीं पर खड़े रहेंगे सुबह से शाम तक। टाइमिंग क्या आपका? सुबह 10 से रात के 9 बजे तक। अच्छा, तो चलते हैं देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। तो भाई इसको कैसे बनाते हैं आप? इसको जैसे मक्खन बनाते हैं ना गाँव में, अच्छा सेम वैसे ही दूध को मथते हैं, चन करते हैं, जो झाग बनता है उसे कटर। दूध का झाग होता है, 7 से 8 घंटे लगते हैं इसको बनाने में, तो उसके बाद ये तैयार हो जाता है ना। रात में बनाते हैं क्योंकि इसको ओस की जरूरत पड़ती है, रात में जो ओस पड़ती है ना। अच्छा, रात की ओस में खुले में रख देते हैं दूध ना, उसके बाद सुबह में इसको बनाते हैं। आप देखिए बना रहे हैं ये लगा दीजिए हमारे 80 रुपए का। अच्छा, तो ये हमारा लगा रहा है, क्या क्या है इसको बताइएगा? ये दूध का फोम होता है सारा जी, और ये करारा मीठा करने के लिए। अच्छा, और ये मावा होता है दूध का, खुरचन पेड़ा। अच्छा, मावा भी डालते हैं इसमें? हाँ, ये केसर का पाटा, सेम चीज है, केसर से बना हुआ। तो ये रहा खेमचंद की दौलत की चाट, से फेमस है ये। कब से कब तक मिलती है ये? ये दिवाली से होली। अच्छा, दिवाली से होली तक मिलती है ना, तो होली बाद ये बंद हो जाएगा? अभी मिलेगी, 20 मार्च तक मिलेगी। अच्छा, तो चलते हैं इसको ट्राई करते हैं। काफ़ी भीड़ लगती है यहाँ पर, लोग आते रहते हैं, छोटी सी पतली सी गली है, लोग आते रहते हैं, खाते रहते हैं, लोग इनके काफ़ी दीवाने हैं। तो चलते हैं, मैं भी इसको ट्राई करता हूँ और फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ कैसा टेस्ट है इनका। अपना खेमचंद नाम से है। अच्छा, आपका खेमचंद दौलत की चाट गली के अंदर ही मिलेंगे हम लोग, बाहर नहीं है अपना, ओरिजिनल जो है खेमचंद नाम से है। चलिए भाई खा रहे हैं, तो पता कर पूछते हैं उनसे कैसा है भाई टेस्ट का।